हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी हम गर्मी बहुत हो रही है तो हमने एसी मंगाया है। सो आज डिलीवरी थी। सो ये है लॉयड की। थ्री स्टार एसी हमने फर्स्ट टाइम मंगाया। लेट्स सी कैसी रहेगी। सो ये अभी दोनों डिलीवरी हो गई है। अभी हमें इंस्टॉलेशन वाले कॉल करेंगे और उन्होंने अभी बिल पे साइन वाइन लेके चले गए कि उन्होंने डिलीवरी कर दी है। सो अभी हम उनको इंस्टॉलेशन वाले को एक बार फ़ोन करते हैं, अगर उनका फ़ोन नहीं आया तो। इंस्टॉलेशन वाले खुद ही आ गए थे, बट उन्होंने रात के 9 बजे कॉल किया था और हमें लगा था कि वो सिर्फ चेक करके चले जाएंगे कि कहाँ फ़िट करना है क्योंकि रात हो गई है। बट उन्होंने बोला नहीं, हम फिट कर देंगे फटाफट। सो उन्होंने ये सब एक्स्ट्रा, हमें वायर्स चाहिए थे, टेप्स चाहिए थे, सो उन्होंने सब कैलकुलेशन बता दिया था कि 5,620 रुपीज़ एक्स्ट्रा हमें पे करना पड़ेगा क्योंकि वायर्स हमें कम पड़ रहे थे और उसके साथ सिर्फ 3 मीटर्स कॉपर वायर दो आते हैं और केबल आता है। हमें 3 फिट और चाहिए थे, 3 फिट्स, तो इसलिए उन्होंने खुद ही सब केबल्स वेबल्स लेके आए पर हमें उतना चार्जेस पे करना पड़ा। और हमें मालूम नहीं था कि कौन सी एसी लेनी चाहिए। बहुत फर्स्ट टाइम था तो हमने बहुत रिसर्च किया, कैलकुलेट किया। सो हमने लॉयड का देखा था क्योंकि इसमें 10 इयर्स की वारंटी मिली थी कंप्रेसर की और 5 इयर्स की वारंटी ये एसी की समथिंग मिली थी और इंस्टॉलेशन फ्री था और इन्वर्टर है ये एसी। सो अभी सीख रहे हैं एसी के बारे में। सो वही उनसे सब पूछ रहे थे और वो स्टिकर्स पे था तो हमने बोला स्टिकर्स निकाल दो सब। और उसके साथ सिर्फ ये 2 कॉपर वायर आए थे और एक ये ब्लैक केबल। फिर हमने कंप्रेसर भी देखा। हमारे वहाँ गैलरी है तो हमने वो 400 रुपीज़ और स्टैंड का बोल रहे थे तो हमने बोला नहीं, हमारे वहाँ गैलरी है, हम गैलरी में रखेंगे। और ये ब्लैक कलर का उन्होंने ही लाया था, उसका चार्जेस हमने पे किया है। वो कॉपर वायर उसमें वो इंसर्ट करके फिर लगाते हैं। करते करते 12 बज गए थे, 12:01 बज गए थे क्योंकि उनको जाना था शॉप, सिर्फ सामान लाना था, वो शॉप से लेके आएंगे। उनके बैग में तो सिर्फ टूल्स थे। फिर उन्होंने आने के बाद फटाफट काम स्टार्ट किया एंड दिस मैन वाज वेरी फास्ट। वो इतना फास्ट, अकेले वन मैन शो काम इतना फास्ट कर रहे थे। हमने बोला भी कि फ़ैन बंद कर देते हैं, सो ही वॉज लाइक नहीं, फ़ैन रहने दो, गर्मी हो रही है। सो अकेले ही वॉज डूइंग एवरीथिंग। और उनके साथ आया था वो बंदा, बट वो वॉल को ड्रिल कर रहा था एंड ये पूरा स्टंट मैन बन के पूरा अकेले काम कर रहे थे। हम लोग वही देख रहे थे कि कैसे काम चल रहा है। फर्स्ट टाइम था तो हम लोग भी बैठ के आराम से देख रहे थे काम को। देन उन्होंने ऐसे वॉल पे वो प्लेट लगाने के बाद एसी को स्टैंड पे लगा दिया था। और एसी लगाने से एक दिन पहले हमने एसी का अलग से वायर, जैसे वो ब्लैक कलर का जो वायर बाजू में दिख रहा है ना, स्विच बोर्ड, हमने अलग से लगवा लिया था क्योंकि एसी के लिए अलग से लगवाना पड़ता है। सो उनके आने से पहले हमने एक दिन पहले वो काम करवा लिया था। और फिर उन्होंने फास्ट केबल और अपना कॉपर वायर को टेपिंग भी स्टार्ट कर दिया कि वो, और जो उन्होंने न्यू कॉपर वायर लाया था वो ऐसे वो जोड़ते हैं।
दो कॉपर वायर और एक ये केबल, वो साथ साथ में टेपिंग है, तीनों वायर्स को साथ साथ में टेपिंग और ज्वाइन करते जा रहे थे। फिर यहाँ पर एक कंप्रेसर ओपन किया था, हम वही देख रहे थे कि एसी से ज़्यादा भरा था, पर लेट्स सी कि कैसा रहेगा। फिर उन्होंने फटाफट टेपिंग की और एक बजे तक ये फुल रेडी हो गया था। फाइनली एसी इंस्टॉल हो गई है और अभी बज रहे रात के 1, तो बहुत टाइम लग गया इंस्टॉलेशन होने के लिए। यहाँ से वायर गया है और यहाँ अभी एसी चालू हो गई है। इसका रिव्यू मैं एक हफ्ते बाद देती हूँ, क्योंकि कैसी है, क्या चल रही है, ठंडा कर रही है कि नहीं, जब तक यूज़ करते देखते। अभी तो कूलिंग है थोड़ी सी, तो अभी रात हो रही है। आज का वीडियो यहीं एंड करती हूँ, जब तक के लिए बाय बाय। सो आफ्टर 10 डेज़ मैं इसका रिव्यू देना चाहूँगी कि ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगी हमें अभी तक तो, और कूलिंग बहुत ज़्यादा फास्ट करती है। वॉइस नहीं है इसमें, पूरी साइलेंट मोड पे चलती है। और इसमें सबसे अच्छी बात है कि ये 4-वे है, 4-वे डायरेक्शन में इसका विंग है और टाइमर है, मोड्स है अलग अलग। और लेट्स सी कि लाइट बिल कितना आता है। अभी 1 मंथ तो नहीं हुआ है, पर बहुत जल्दी कूलिंग कर देती है। और यह है 1.25 टन की, जो 160 स्क्वायर फुट के घर में चल जाएगी, तो हमारे घर में तो अच्छी है अभी ये, क्योंकि हमने थोड़ा ही लिया था और यूज़ करने के बाद वो और भी कम होती जाती है। तो हमने 1.25 लिया था, और 1.50 भी थी और 1 टन भी अवेलेबल थी। और प्राइस इसका था 36,000 रुपीज़, और इंस्टॉलेशन तो फ्री था इसका, बट अपना वायरिंग और ये सब ऐड करके ये राउंड ऑफ 40,000 रुपीज़ की हमें एसी पड़ी है। सो जिसका बजट अराउंड अंडर 40,000 है वो ले सकता है, और अगर वायरिंग का प्रॉब्लम ना हो तो वो 35 के अंदर ही ये फुल एसी फ्री इंस्टॉलेशन पड़ जाएगा। कोई अगर हैवेल्स की एसी यूज़ करता होगा तो मुझे इसका रिव्यू ज़रूर बताना कि उनका एक्सपीरियंस कैसा है, और या फिर इससे बेहतर एसी और कोई है तो वो भी मुझे बताना, कि नेक्स्ट टाइम मैं हमारे दूसरे घर के लिए वो वाली दूसरी एसी लूँ जो अच्छी हो। और अभी तक तो हमने ये फर्स्ट टाइम लिया है, सो देखते हैं कि क्या होगा। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। जब तक के लिए बाय बाय।